पाकिस्तान को एशिया कप में मात देने के लिए भारत के सिर्फ चार बल्लेबाज ही काफी हैं। जो चार बल्लेबाज पड़ेंगे पूरी पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भारी, उनके बारे में करेंगे बातचीत इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का मुकाबला अब ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस मुकाबले की। और इस मुकाबले से पहले जहां बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं, जसप्रीत बुमराह पहले ही बाहर हो गए थे, लेकिन अब पाकिस्तान की गेंदबाजी के क्रम को बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी क्रम का सबसे सीनियर गेंदबाज बाहर हो चुका है एशिया कप से। आप सब बखूबी जानते हैं वो खिलाड़ी है शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें नी इंजरी के चलते अगले 3 से 4 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया गया है, जिसके चलते उनका एशिया कप को मिस करना तय है। और अगर वो खिलाड़ी एशिया कप मिस करेगा तो भारत के बल्लेबाजी क्रम को काफी ज्यादा बेहतर अप्रोच मिल जाएगी वहां बल्लेबाजी करने के लिए, और आसानी होगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ही वो नाम है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में मजा चखाया था। क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, इन तीनों को इसी खिलाड़ी ने वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया था और साथ ही में मैन ऑफ द मैच बना था ये खिलाड़ी। और अब शाहीन अफरीदी के जाने के बाद जहां पाकिस्तान के गेंदबाजी क्रम में शायद उतनी जान नहीं नजर आ रही है, तो उसके बाद ये चार भारत के बल्लेबाजी काफी होंगे पाकिस्तान के गेंदबाजों के होश उड़ाने के लिए। नंबर एक पर नाम आता है सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा यहां पर हम इस कारण से लिस्ट में रख रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा को एकमात्र लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजों के सामने ही बल्लेबाजी करने में ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जहां हमने देखा है मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी के लगातार शिकार होते आए हैं रोहित शर्मा। और अब लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी का टीम में ना होना रोहित शर्मा के लिए एक पॉजिटिव बात है, जिसके चलते रोहित शर्मा को बल्लेबाजी में आसानी होगी और वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के ऊपर हावी साबित हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहां से नाम आ जाता है भारत के अपने एबी डिविलियर्स 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का। सूर्य इस खिलाड़ी के नाम में भी आता है और गेंद को आसमान तक पहुंचाने का कार्य भी ये खिलाड़ी बेखूबी आसानी से कर जाता है। जहां सूर्य कुमार यादव को अब इंटरनेशनल क्रिकेट का अच्छा एक्सपीरियंस है और सूर्य कुमार यादव का IPL और इंटरनेशनल का अच्छा एक्सपीरियंस और इनके इनोवेटिव शॉट्स को लगाने की क्षमता पड़ सकती है पाकिस्तान के गेंदबाजों पर भारी। तीसरे नंबर पर यहां से आता है नाम भारत के अपने बेबाक बल्लेबाज ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत को हम देख रहे हैं IPL के बाद से इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में इजाफा हो रहा है, जहां पर पहले अगर अग्रेसिव खेलते थे तो आउट हो जाते थे और अगर ऋषभ पंत डिफेंसिव क्रिकेट में जाते थे तो इनके बल्ले से ज्यादा रन्स नहीं आते थे, लेकिन IPL के बाद अगर हम खासकर इंग्लैंड और वेस्टइंडीज देखें, वहां पर ऋषभ पंत की नई अप्रोच जो है, जहां पर वो अग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों के एक अच्छे तालमेल कॉम्बिनेशन के साथ बड़े रन्स भी बनाना जान चुके हैं, और साथ ही में जब सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती है तब ऋषभ पंत के बल्ले से आसानी से चौके और छक्के भी आ जाते हैं। इसी के चलते कहा जा सकता है कि शायद ऋषभ पंत भी अब हो सकते हैं पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी, जहां स्पिनर्स को खेलने में ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है ऋषभ पंत को। उसके बाद यहां से आ जाता है नाम चौथे नंबर पर हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने जब से की है वापसी इस IPL के एडिशन से, भला वो गुजरात टाइटंस की जर्सी हो या फिर वो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी हो, हर एक रंग में इस खिलाड़ी के बल्ले से रनों का अंबार आया है। जहां पर हमने देखा है हार्दिक पांड्या ने जब कप्तानी संभाली भारतीय क्रिकेट टीम की, हालांकि वो आयरलैंड की सीरीज हो या वेस्टइंडीज के सामने 5वां T20 मैच ही क्यों ना हो, हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ गेंद के साथ भी दिया है टीम की जीत में भारी योगदान। लेकिन हार्दिक पांड्या का बल्ले के साथ फॉर्म में वापस आना और अपनी फिटनेस को उम्दा लेवल पर रखना जरूर पाकिस्तानी गेंदबाजों पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 2017 का वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जहां कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं चला था, वहां एक लौता हार्दिक पांड्या ऐसा बल्लेबाज था जिसने अपने अर्धशतकीय पारी के चलते एक समय के लिए उम्मीदें जगा दी थी भारतीय टीम के लिए उस मुकाबले में कमबैक करने की। लेकिन रविंद्र जाडेजा के साथ उस रन आउट के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में फाइनल जरूर हारी थी, लेकिन इस बार एशिया कप में 28 अगस्त को शाम को 7:30 बजे भिड़ने के लिए जरूर तैयार होगी भारत की टीम, जहां पे इन चार बल्लेबाजों पे रहेंगी खास नजरें। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, इन चारों में से कौन होने वाला है आपका फेवरेट बल्लेबाज, बताइए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब पे, फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा हर एक लेटेस्ट अपडेट, वो भी सबसे पहले।